हेलो दोस्तों, आज मैं पाइनएप्पल केक बनाने जा रही हूँ। ये लिए हैं मैंने 5 अंडे। अंडे का येलो पार्ट अलग करना है और वाइट पार्ट अलग करना है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप चीनी पिसी हुई और इसे मिक्स करना है जब तक ये ऐसे फ्लफी ना बन जाए। इसको फेंटना है। और ये लिया है बटर और बटर को भी मैं मैश कर लूँगी पहले। अब मैं इसमें ऐड करूँगी वनीला एसेंस और इसको भी फेंटना है जब तक ये भी फ्लफी ना बन जाए। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 2 चम्मच करीब दही दही ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चीनी और बटर जो हमने फेंट के रखा था और ये अंडे का येलो पार्ट और ये लिया है मैंने ऑयल। इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर और इसे मिक्स कर लेना है। ये इस तरह से फ्लफी हो गया है। अब मैं इसमें मिलाऊंगी मैदा। इसको भी मिक्स कर लूंगी। थोड़ा सा मैदा और ऐड कर रही हूँ। ये मिक्स हो गया है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ पाइनएप्पल जूस। पाइनएप्पल को बारीक बारीक चॉप करके इसमें जूस निकालना है। अब मैं इसे बेक के लिए रख दूंगी 20 मिनट के लिए 180 डिग्री पर और बीच में चेक करना है नाइफ की हेल्प से कि केक चिपक रहा है कि नहीं। अगर क्लीन निकल रहा है तो हमारा केक रेडी है। ये केक तैयार हो गया है। अब इसके पीस कट कर लेंगे और इसमें मैं थोड़ा ऐड कर रही हूँ पाइनएप्पल जूस। जूस ऐड करने के बाद इसमें लगाऊंगी क्रीम। क्रीम लगाने के बाद इसमें बारीक बारीक चॉप कर रखा है पाइनएप्पल, इसे पाइनएप्पल से गार्निश करेंगे। तो दोस्तों आप भी ट्राई करना और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना।